गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, साइंस का चैप्टर 2 है आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लावर के बारे में। इससे पहले हम आपको लीफ के बारे में बताए थे और आज है आपका फ्लावर्स। फूल को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे फूल को देखा होगा, रोज फूल, मैरीगोल्ड का, सनफ्लावर का और कई तरह के फूल होते हैं। फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर जो होते हैं किसी प्लांट का क्या होता है, सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है। फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। सम फ्लावर स्मेल वेरी नाइस। फ्लावर्स जो होते हैं, फूले जो होती हैं, फूल क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, उनका साइज अलग होता है और अलग अलग कलर का होता है। कुछ फ्लावर्स में बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, सेंट होता है, जिसको हम लोग सुगंध बोलते हैं। स्मेल करना, बहुत अच्छा स्मेल होता है जिसको हम लोग सूंघते हैं। फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। प्लांट, ये फ्लावर जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, तो रिप्रोडक्शन में, रिप्रोड्यूस में। वी ऑल्सो ईट द फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के फूल को हम लोग क्या करते हैं, खाते भी हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इटीसी, ये सब क्या है, हम लोग इन सब के फूल का यूज करते हैं खाने में। आप लोगों ने देखा होगा फूल गोभी, देखा होगा ठंडी के दिनों में खाते हैं, उनकी सब्जी खाते हैं बना के। तो ये हुआ पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का पार्ट कैसा होता है, उसमें क्या क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर हैव टू मेन पार्ट्स। ज्यादातर फ्लावर को क्या होता है, दो मेन पार्ट्स होते हैं, क्या, पीटल्स एंड सीपल्स। अब ये पीटल्स क्या है और सीपल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीटल्स आर द ब्राइट कलर पार्ट एंड सीपल आर द ग्रीन कलर आउटर पार्ट। पीटल्स क्या होता है, ये ब्राइट कलर पार्ट होता है, चमकीला होता है, और सीपल्स जो है वो क्या होता है, ग्रीन कलर पार्ट होता है। जैसे आप लोग कोई भी फूल को देखिए, गुलाब का फूल देखिए, या यहाँ पे भी आप ये फ्लावर देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये कलर पार्ट है, ये क्या है आपका, पीटल्स है ये सब, और ये नीचे का भाग क्या है, ये आपका सीपल्स है, ग्रीन कलर पार्ट। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि फ्लावर के पार्ट में क्या क्या, कौन कौन से पार्ट है। ओवरी है जो फ्लावर के बीच में होता है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सीपल्स ये साइड के हैं, ये क्या है, रिसेप्टल्स, फ्लैमेंट्स, एंथर, स्टेल और स्टिग्मा, ये सब क्या है, फ्लावर ऑफ पार्ट है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रूट। फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स क्या हुआ, फल। फ्लावर यूजुअली टर्न इनटू फ्रूट्स। फ्लावर जो है वो किस, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, बर्ड होता है, बर्ड बताया था आपको, कली होता है, कली के बाद क्या होता है, वो फ्लावर बन जाता है। फ्लावर के बाद वो टर्न्स होता है किसमें, फ्रूट्स में। किसी भी प्लांट में अगर फल है तो वो उससे पहले वो फूल होगा, फूल के बाद ही फल आएगा। ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सभी में, लगभग सभी फल में अंदर साइड में सीड्स होता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। फ्रूट किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। सम फ्रूट्स हैव सिंगल लार्ज सीड एंड सम हैव मेनी स्मॉल सीड्स। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल लार्ज होता है, मतलब एक अकेला बड़ा ऐसा सीड्स होता है, और कुछ जो है जिसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैंगो है, मैंगो वन सीड्स ओनली। आम में क्या होता है, सिर्फ एक गुठली होता है। एप्पल में फ्यू होता है, एप्पल में क्या होता है, कुछ ही होता है सेब में। एंड पपाया में क्या होता है, कई सारे रहते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ये सब के इसमें कई सारे सीड्स होते हैं। आप लोग लीची खाइए तो लीची में क्या होता है, सिंगल सीड्स होता है बड़ा ऐसा। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल होता है, कुछ में फ्यू रहता है, कुछ ही रहता है, और किसी फ्रूट्स में कई ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट और इंड टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक आपका जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, ए सीड्स वेन सोन इन द सॉइल एंड प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जब हम एक सीड्स को ग्रो करते हैं या लगाते, मिट्टी में लगाते हैं, और उसको प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, मतलब हवा उसको मिलता है सही मात्रा में, पानी मिलता है और सनलाइट, तो वो क्या होता है, ग्रो कर जाता है एक नए प्लांट में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। आप लोग देखे होंगे कि कुछ सीड्स को आप लीजिए, चना जैसे लीजिए, उसको पानी में रखिए कुछ दिन, उसके बाद आप बाहर निकाल के रखिए, जब वो फूल जाएगा तो उसमें देखिए वो क्या हो जाएगा, स्प्राउट्स हो जाएगा,
उस वही उस प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहते हैं कि उसको अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होता है, न्यू प्लांट निकलता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसका शॉर्ट टाइप और क्वेश्चन आंसर आपको भेज रहे हैं। ओके, थैंक यू।